नमस्कार दोस्तों, ज्ञान हिंदी इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आपने 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट गोल्ड और 916 गोल्ड के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैरेट क्या होता है, कि 24 कैरेट, 22 कैरेट गोल्ड क्या होता है, 916 गोल्ड क्या होता है? तो चलिए आज हम जान लेते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। पहले जान लेते हैं कि कैरेट क्या होता है। दोस्तों, कैरेट यह एक शब्द है जिसका उपयोग सोने की शुद्धता को मापने के लिए किया जाता है। अधिक कैरेट का मतलब है अधिक शुद्ध सोना और कम कैरेट का मतलब है कम शुद्ध सोना। कैरेट से हम गहनों में कितने प्रतिशत शुद्ध सोना होता है यह कैलकुलेट कर सकते हैं और वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब जान लेते हैं कि 24 कैरेट सोना क्या होता है। दोस्तों, 24 के में के का मतलब है कैरेट। 24 कैरेट सोने को शुद्ध सोना या 100% शुद्ध सोना कहा जाता है, यानी ऐसे सोने में सभी 24 भाग होते हैं। भले यह सोना 100% शुद्ध हो, लेकिन इसे 99.99% शुद्ध सोना माना जाता है, क्योंकि कोई भी वस्तु 100% शुद्ध नहीं होती है। दुनिया में सिर्फ 24 कैरेट का सोना ही सबसे शुद्ध सोना होता है। इससे उच्च कैरेट का सोना कभी नहीं होता है। फिर भी कुछ दुकानदार 25 कैरेट, 26 कैरेट सोना कहकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। 24 कैरेट सोना नरम और लचीला होता है, इसीलिए 24 कैरेट सोने में कम ही गहने बनाए जाते हैं। विशिष्ट गहने 24 कैरेट सोने में बनाए जाते हैं और हाँ, 24 कैरेट के गहने जल्दी घिस जाते हैं। अब जान लेते हैं 22 कैरेट सोना क्या होता है। 22 कैरेट सोने में सिर्फ 91.6% शुद्ध सोना होता है। पीछे हमने देखा कि 24 कैरेट सोने में सभी 24 भाग होते हैं, मतलब वो 100% शुद्ध सोना था। तो 22 कैरेट सोने का मतलब है कि 24 भागों में 22 भाग शुद्ध सोना होता है। 22 कैरेट सोने के गहनों में कितने प्रतिशत शुद्ध सोना है यह निकालने के लिए 22 को 24 से डिवाइड करना होगा और आने वाले संख्या को 100 से गुना करना होगा। इसी तरह से हमें 91.67 उत्तर मिलेगा, यानी 22 कैरेट सोने में 91.6% शुद्ध सोना होता है। दोस्तों, 22 कैरेट गोल्ड को ही 916 गोल्ड कहा जाता है। यहाँ पर 91.6 में से पॉइंट को निकालकर 22 कैरेट गोल्ड को 916 गोल्ड कहा जाता है। 22 कैरेट सोने में 91.67% शुद्ध सोना और बाकी 8.33% चांदी, तांबा, निकेल या जस्त मिलाया जाता है। ज़्यादातर गहने 22 कैरेट सोने के बनाए जाते हैं, क्योंकि 22 कैरेट सोने में अन्य धातु होने की वजह से सोना कठोर हो जाता है, जिसके कारण गहने टिकाऊ बन जाते हैं। अब जान लेते हैं कि 18 कैरेट सोना क्या होता है। 18 कैरेट सोने में 75% शुद्ध सोना और बाकी 25% चांदी, तांबा, निकेल या जस्त होता है। आमतौर पर रत्न जड़ित गहनों को 18 कैरेट सोने में बनाया जाता है। 18 कैरेट सोना काफी सख्त होता है। दिखने में यह सोना 24 कैरेट सोने की तुलना में फीका होता है। यह सोना 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की तुलना में सस्ता होता है। अब जान लेते हैं 14 कैरेट सोना क्या होता है। 14 कैरेट सोने में 58.33% शुद्ध सोना और 41.67% अन्य धातु मिलाए जाते हैं। इनके अलावा 12 कैरेट और 10 कैरेट का भी सोना होता है। 12 कैरेट सोने में 50% शुद्ध सोना और 10 कैरेट सोने में 41.7% शुद्ध सोना होता है। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस रोजाना देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।